थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो आज हम पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर ठीक है तो सबसे डिक्रीज एक्टिविटी इट इज नोन एज साइकोमोटर रिटार्डेशन इन दिस द पेशेंट आई टेक टू लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट द एक्टिविटी और आफ्टर स्टार्टिंग द एक्टिविटी ही टेक टू कम्प्लीट इट इसके अंदर क्या होता है जो पेशेंट की जो एक्टिविटीज होती है ना साइकोमोटर एक्टिविटीज वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है या तो पेशेंट अपना काम स्टार्ट करने के लिए बहुत लंबा समय लेता है या फिर खत्म करने के लिए बहुत लंबा समय लेता है ठीक है कंप्लीट करने के लिए इसके बाद है इंक्रीज एक्टिविटी इंक्रीज एक्टिविटी को हम हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं हाइपोवर्ड हम तब यूज करते हैं जब एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और हाइपर तब यूज करते हैं जब एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ठीक है आइदर ट्राई टू डू द एक्टिविटी वेरी फास्ट इसके अंदर जब पेशेंट जो है एक्टिविटी बहुत फास्टली करेगा या फिर एंड

रिपीटिशन ऑफ सेम मूवमेंट को मैनरिज्म बोलते हैं ठीक है बार बार अपनी नोज को टच करना बात करते वक्त तो इसे हम मैनरिज्म का एक उदाहरण ले सकते हैं इसके बाद है वर्बिजरेशन वर्बिजरेशन मतलब है स्टीरोटाइप स्पीच इसके इसको हम स्टीरोटाइप स्पीच के नाम से भी जानते हैं इसके अंदर कहता है रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड और सेंटेंस ठीक है विदाउट एनी पर्सन बिना किसी पर्पज के किसी वर्ड को रिपीट करना या फिर किसी सेंटेंस को रिपीट करना वर्बिजरेशन कहलाता है बाद है कंपल्शन कंपल्शन का मतलब होता है कि ऑब्सेशन जो हमारे माइंड के अंदर ऑब्सेशन हो रही है ऑब्सेशन का मतलब होता है कोई भी थॉट का हमारे माइंड में बार बार आना उसको कंप्लीट करने के लिए जो हम एक्टिविटी करेंगे उसको हम कंपल्शन बोलेंगे ठीक है बाद है नेगेटिविज्म नेगेटिविज्म का मतलब है कोई भी जो काम है उसको हम डायरेक्ट उल्टा करते हैं ठीक है जो भी काम हमें है उसका उल्टा करना नेगेटिविज्म कहलाता है मतलब ले लिया रिपीटेशन ऑफ स्पीच ई रिपीटेशन ऑफ स्पीच डॉक्टर ने पूछा पेशेंट से डॉक्टर आस्ता पेशेंट व्हाट इज योर फादर नेम ठीक है तो पेशेंट आंसर इमिडिएट नकल उतारेगा व्हाट इज योर फादर नेम इसे हम इको ले लिया बोलेंगे ठीक है इसके बाद है, इको पायरेक्सिया द पेशेंट इमिटेट द एक्टिविटी डन बाय द अनदर पर्सन दूसरे पर्सन के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाएगी उसकी जो नकल पेशेंट उतारेगा उससे हम इको पारेक्सिया बोलते हैं एक्टिविटी है का डिक्रीज हो जाना कम हो जाना साइकोमोटर एक्टिविटीज का डिक्रीज हो जाना डिक्रीज एक्टिविटी कहलाता है साइकोमोटर एक्टिविटीज का इंक्रीज हो जाना इंक्रीज एक्टिविटी कहलाता है किसी सेम पोजीशन को लंबे समय तक मेंटेन करना वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है मैनरिज्म का मतलब होता है किसी भी मूवमेंट को बार बार दोहराना ठीक है उसके बाद है वर्बिजरेशन रिपीटेशन ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस विदाउट एनी पर्प इज कॉल वर्बिजरेशन कंपल्शन का मतलब होता है कि हमारी ऑब्सेशन कंप्लीट करने के लिए हम जो एक्टिविटी करेंगे उसे हम कंपल्शन बोलते हैं नेगेटिविज्म का मतलब होता है जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका डायरेक्ट उल्टा करना जो भी हमारे माइंड के अंदर थोट आया उसका डायरेक्ट उल्टा करना नेगेटिविज्म कहलाता है इकोलेलिया का मतलब होता है किसी की नकल उतारना किसी की स्पीच की नकल उतारना इकोलेलिया कहलाता है किसी की मूवमेंट की नकल उतारना इको कहलाता है और खुद को मारने के एक्ट को हम सुसाइड बोलते हैं